जो पधारे हैं नकवी साहब, नकवी साहब मानव अधिकार के कर्ता धर्ता श्री अनिल टंडन जी जो इलाहाबाद में पधारे हैं, मानव अधिकार के सभी सदस्यगण जो उड़ीसा से और बाहर से आए हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ। श्री तोमर जी ने आज 10 दिसंबर के रूप में एक छोटा सा केक भी काटा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दिसंबर 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह महसूस किया गया कि विश्व में अधिकारों की घोषणा, अधिकारों की पहचान आवश्यक है, भारतवर्ष भी 10 दिसंबर 1948 के रेजोल्यूशन में उस भागीदार था, ऐसी ही मसले के कल खड़ी उसका भी एक सिग्नेचर में हाथ था, जिसमें कि विश्व में मानव अधिकार की घोषणा होनी चाहिए। मानव अधिकार यद्यपि बहुत जमाने से चला आ रहा था, लेकिन वो कोडिफाई नहीं हुआ था। कोडिफाई हुआ 10 दिसंबर 1948 के बाद। मानव अधिकार की कल्पना बहुत जमाने से मैग्ना कार्टा के एक्ट के अनुसार 1215 से चली आ रही है। मैग्ना कार्टा का एक्ट था जिससे कि मानव अधिकार की कल्पना की जाती थी। उसके बाद 1945 में मानव अधिकार का युद्ध शुरू हुआ और 1945 से लेकर 1948 तक ये कामयाबी मिली और अंत में जाकर 10 दिसंबर 1948 को सभी राष्ट्रों ने दस्तखत किया और धीरे 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 ये विश्वव्यापी मानव अधिकार बन गया। भारतवर्ष में मानव अधिकार की कल्पना तो की जाती थी, यह मानव अधिकार 1950 में जब अपना भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ला डे का उस दिन, उससे पहले 1949 में ला डे मनाया गया, उसके बाद संविधान की श्रृंखला 26 जनवरी 1950 में हुई। संविधान और मानव अधिकार दोनों एक पार है, कोई विशेष चीज उसमें नहीं दी गई है सिवाय इसके कि कोर्ट का, एक आयोग का कल्पना की गई है। आयोग